हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NBS LDC टाइपिंग टेस्ट की। जो लैंग्वेज सेलेक्ट करने की जो लिंक थी वो आपकी जो है वो एक्टिवेट जो है वो कर दी गई है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए आप उसके जो है चेक कर लीजिए। कैसे आपको चेक करना है पूरी मैं डिटेल्ड इस वीडियो में बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है जो यहाँ पर दिया गया है। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का। इसमें आपको आपका एक यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी क्या है, कैसे डालना है बताऊंगा। एंटर अ पासवर्ड, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, क्या है वो भी मैं आपको इसमें पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो पे। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए NBS से जुड़ी पल पल की इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो लिंक एक्टिवेट है उसको चेक कैसे करना है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपकी जो टाइपिंग है वो कैसे होगी, यानी कि स्क्रीन टू स्क्रीन होगी, पेज टू स्क्रीन होगी। यानी कि बहुत से जो स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि हमें ये बताइए टाइपिंग कैसे होगी, बैक स्पेस अलाउड होगा या नहीं होगा। ठीक है, लैंग्वेज अब मैं बताऊँगा आपको, लैंग्वेज आप कौन सी सेलेक्ट करें, हिंदी या इंग्लिश करें, या टाइपिंग ड्यूरेशन क्या रहेगा। ठीक है, तो कौन सी जो लैंग्वेज है वो आसान होगी टाइपिंग करने में, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको, तो बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको ये चीज़ करना बता देता हूँ कि आप आपका आपका जो लैंग्वेज चूज़ है वो कैसे करेंगे। तो चलिए हम NBS की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर चलते हैं। तो कैसे जाना है आपको, पहले एक तो आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। दूसरा मैं आपको गूगल के माध्यम से बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर NBS आपको डालना है। NBS जैसे ही आप डालेंगे तो ये देखिए आपको जो है पहली ही वेबसाइट को ओपन कर लेना है इस तरीके से, नवोदय विद्यालय समिति, इसको ओपन करेंगे। इसके बाद ये ओपन हो रहा है। ठीक है, जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको देखिए ये ऊपर ही दिख जाएगा, ऊपर ही देखिए ये यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ये चलता हुआ दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर लिंक है, खोलने के लिए बोलेगा, खोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एंटर यूज़र आईडी डालना है और एंटर आप पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो आपको जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, चलिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से, एक सेकंड, तो देखिए जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको कुछ इस तरीके का एक प्रिंटआउट मिला होगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसका। तो यहाँ पर आप देखिए NBS करके एक ये नंबर दिया हुआ हुआ जी। ठीक है, ये है एक मेरा है। ठीक है, NBS करके आपको दिया होगा तो वहाँ पर आपको NBS डालना है और कुछ नंबर दिए होंगे। इसके बाद आपको जब आपने एक फॉर्म भरा होगा ऑनलाइन तो मोबाइल पर एक पासवर्ड आया होगा, या जो फॉर्म भरने वाला उसने आपको एक पासवर्ड दिया होगा, तो वो पासवर्ड 7 नंबर का जो है वो पासवर्ड है और पूरे उसमें डिजिट है। ठीक है, तो वो आपको पहले ऊपर यहाँ पर लॉगिन आईडी में ये डाल देना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है। ठीक है, अब अगर आपके पास पासवर्ड आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करें, तो उसका भी इन्होंने सॉल्यूशन कर दिया। आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और जो भी उस पर डिटेल्ड है वो वहाँ पर डालकर आप भर देंगे। ठीक है, तो मैं चलिए आपको ये बता देता हूँ, जब ये भर देंगे हम, ये भर के मैं आपको बता देता हूँ एंटर यूज़र पासवर्ड। ठीक है, अगर आपका खो गया है तो बिल्कुल आप जो है इसको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए जो हमारा ये फॉर्म है ये ओपन हो चुका है, मैंने डिटेल भर दी थी। ठीक है, और आप भी आपकी डिटेल भरेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब आपको देखिए यहाँ पर लिखा है स्किल टेस्ट लैंग्वेज करके, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये देखिए इस पर, इस वाले में मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए इस तरीके से कुछ मिलेगा योर सेलेक्शन करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी, आपकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर नेम डिटेल वगैरह फिल होकर आ चुकी है। ठीक है, पूरी डिटेल जो आपने भरी थी वो आ चुकी है। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट नोट है कि इंग्लिश जो टाइपिंग होगी आपकी कीबोर्ड लेआउट होगी, जो कि क्वालिटी कीबोर्ड होगा या जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है वो। इसके बाद जो हिंदी के अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो जो टाइपिंग होगी कीबोर्ड आपका रेमिंगटन गेल आपको मिलने वाला है। ठीक है, कौन सा, रेमिंगटन गेल। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए ये वाला सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा स्किल टेस्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करके, है ना। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके देखिए दो ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है
तो आप हिंदी सेलेक्ट करें, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब कम से कम अगर 40+ आप हिंदी में मार रहे हैं और मतलब आपकी प्रैक्टिस है ऑलरेडी, तो आप हिंदी सेलेक्ट करें। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इंग्लिश सेलेक्ट करें, क्योंकि 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी जा सकती है। इंग्लिश तो जो है आप सीख भी सकते हैं 1 महीने के अंदर, अगर आप पर डे 2 से 3 घंटे जो है अगर टाइपिंग करते हैं तो। और अगर आपकी पहले से ही बहुत ज़्यादा स्पीड है हिंदी में तो आप बिल्कुल हिंदी सेलेक्ट करें, ठीक है। और अगर नहीं है तो मैं आपसे यही कहूँगा इंग्लिश सेलेक्ट करें, और इंग्लिश में भी अगर आपकी स्पीड 30+ है तो बिल्कुल मतलब आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए। डेली कम से कम 2 घंटे तो आपको टाइपिंग करना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 16 सितंबर को फिक्स है, ठीक है। तो मैं जो आपको बेटर लगती है वही चुने, मैं यहाँ पर इंग्लिश चुनने वाला हूँ, तो आपको इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये करके आई एग्री करके दिख रहा है, तो आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखिए मैं आप डिटेल देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। अगर डिटेल आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा, कुछ दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है, देखिए काइंडली क्लोज योर स्किल टेस्ट लैंग्वेज डिटेल हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सेलेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मुझे लिख के आ चुका है अब स्किल टेस्ट इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया। मेरी इंग्लिश की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, 42+ मेरी अभी है स्पीड, और अगर मैं प्रैक्टिस भी नहीं की मैंने कम से कम 4-5 महीने से, तब भी मेरी 42 है, कल मैंने बनाया था। अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो ऊपर ही निकाल दूंगा पता नहीं कितना, ठीक है। इसके बाद देखिए तो अब ये आप ये कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि जो टाइपिंग है वो कैसे कैसे पूछी जाएगी। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि टाइपिंग आपकी जो है कैसे होगी, स्क्रीन टू स्क्रीन होगी या पेज टू स्क्रीन होगी, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ड्यूरेशन क्या रहने वाला है आपका। तो ड्यूरेशन मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है NVS का, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 30 words per minute इंग्लिश करके, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये वाला सेक्शन, इसके बाद आपको हिंदी में भी दिख रहा होगा 25 words per minute इंग्लिश करके, ठीक है। ठीक है 5 key per depression for each word, ठीक है। ये आपको आपकी अगर 30+ है तो ये तो ऑटोमेटिकली आ जाता, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ये बैक स्पेस अलाउड होगा या नहीं होगा, तो मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ। तो देखिए जब आप टाइपिंग देंगे तो आपका जो टाइपिंग है वो स्क्रीन पे होगा इस तरीके से, स्क्रीन पे आपको जो है शो हो रहा है, यहाँ पर आपको टाइप करना है, स्क्रीन पे ही आपको पैसेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बैक स्पेस, टोटल काउंट, स्पीड वगैरह, ठीक है। अब ये देखिए टाइप द हाईलाइट वर्ड, ठीक है। जो हाईलाइट वर्ड है जैसे कि साइंटिस्ट पे येलो, तो ये आपको टाइप करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यू कैन एडिट द टाइप्ड टेक्स्ट, यानी कि आप एडिट कर सकते हैं, यानी कि जो बैक स्पेस है वो आपका इसमें अलाउड है, ठीक है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और जो जो पेपर के फॉर्मेटिंग आती है, जो आपको टाइप टेस्ट करने के लिए जो मटेरियल दिया जाता है, यानी कि जो पैसेज होगा वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कोई भी मतलब उल्टा सीधा नहीं देते वो लोग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते कि देखिए ग्रीन वाले तो आपके सही होंगे और रेड वाले आपके रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए मैंने आपको क्या क्या बता दिया, लिंक एक्टिवेट हो गई है, आपको भरना बता दी कैसे भर सकते हैं, पासवर्ड है नहीं है सब चीज़ें बता दी, लैंग्वेज कैसे चूज़ करना है ये भी बता दिया, टाइपिंग कैसे होगी ये बता दिया, स्क्रीन टू स्क्रीन होने वाली, पेज टू स्क्रीन नहीं होगी, बैक स्पेस बता दिया अलाउड होता है कि नहीं होता, लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करना मैंने बता दिया है। अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, उसी को सेलेक्ट करें, मतलब आपको दिल से आवाज आनी चाहिए हाँ मतलब ये कर सकता हूँ, तो वही सेलेक्ट करें, ठीक है। हिंदी वर्सेज इंग्लिश कौन सी सेलेक्ट करना मैंने बता दिया, टाइपिंग ड्यूरेशन आपको बता दिया कि जो इंग्लिश का जो टाइपिंग ड्यूरेशन है वो आपको जो है दिया जाएगा वहाँ पर 10 मिनट का टाइपिंग ड्यूरेशन जो है दिया जाएगा, 10 मिनट में आपको टाइप करना है, जो आपकी स्पीड आएगी वो 30 words per minute से ऊपर आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज आसान हुई हम ये देख लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में टाइप करना आसान हुआ। तो देखिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपको पता है कि वही जो है सबसे आसान आपकी जो है पढ़ती है, कौन सी, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज को आप सेलेक्ट जो है वो कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है। अगर आपकी हिंदी बहुत मतलब इंग्लिश तो आप सेलेक्ट करिए, बट उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर आपकी हिंदी बेहतर है तो आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में अगर आप सेलेक्ट करें तो आप बहुत ही ज़्यादा आराम आराम से करें, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करें, और NVS से जुड़े प्रत्येक पल की खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई आपका क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।